हेलो दोस्तों, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए बड़ी खबर है, जहां पर इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम को राहत मिल सकती है। और ये न्यूज़ आई है गवर्नमेंट की तरफ से, जहां पर कैबिनेट ने एक वन टाइम कंपनसेशन या ग्रांट देने की घोषणा की है। कितने की? 22,000 करोड़ की। और ये ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को मिलेगी। लेकिन जब हम ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की बात करते हैं, तो ये कंपनियाँ गैस भी मार्केट करती है। जैसे आपके हमारे घर में जैसे इंडियन ऑयल का गैस आता होगा, जैसे मेरे घर में जैसे इंडेन का गैस आता है, एलपीजी जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये कंपनसेशन एक्चुअली में एलपीजी के लिए है, ये ऑयल के लिए नहीं है। ये आपको ध्यान में रखना है और कंफ्यूज नहीं होना है। ऑयल के प्राइजेस लगभग मार्च के महीने से ही फ्रीज में है, जो आप आपके जो पेट्रोल पंप जो है वहाँ पर आप देख सकते हैं पेट्रोल डीजल के प्राइजेस नहीं बढ़े हैं। तो वहाँ पर तो वो लॉस कर ही रहे हैं, $100 $120 पूरी दुनिया में प्राइस हो गया, लेकिन इंडिया में प्राइजेस बहुत नहीं बढ़े, तो उनकी वजह से क्वार्टर वन में हमने देखा है 18,000 करोड़ का लॉसेस हुए हैं। लेकिन ये जो 22,000 करोड़ है, ये गैस के लिए है, एलपीजी गैस के लिए है। यहाँ पर गवर्नमेंट का कहना है कि गैस के प्राइजेस ग्लोबली 300% बढ़े हैं। जैसे मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो जैसे एलपीजी का गैस है तो कुछ 1,080-1,100 रुपये के आसपास मैंने पेमेंट किया। अब अलग अलग स्टेट में अलग अलग भाव हो सकते हैं, लेकिन इंडिया में ये जो प्राइस है कितना होगा, 1,100-1,200-1,300 मैक्सिमम उसके आसपास है। लेकिन अगर 300% बढ़े हैं और मार्केट के हिसाब से हम चलते, तो प्राइस एक्चुअली में 3,000 के आसपास होना चाहिए था। तो किसी ने तो सफर किया है, तो जैसे ऑयल के केस में, पेट्रोल डीजल के केस में इन लोगों ने सफर किया है, तो सिमिलरली यहां पर इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, उन्हीं ने ही सफर किया है। तो चूंकि उन्होंने सफर किया है, तो गवर्नमेंट ने एक वन टाइम कंपनसेशन 22,000 करोड़ का दिया है। तो ये कब से कब तक का? जून 2020 से जून 2022, ये 2 साल उन्होंने जो भी एलपीजी बेचे हैं, चूंकि पूरी दुनिया में गैस की कीमतें ज्यादा थी और भारत में प्राइसेस बहुत नहीं बढ़ाए, तो उन्होंने लॉसेस जो है एब्जॉर्ब किए हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने ये सपोर्ट दिया है। तो अभी भी ये ऑयल का लॉसेस नहीं है, तो ये एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसीलिए इन्वेस्टर्स को ऐसा लग सकता है कि नहीं, ये बहुत पॉजिटिव हो गया, कंपनियाँ फिर से प्रॉफिट में आ जाएंगी, तो वो संभावना भी थोड़ी सी अभी कम ही है। क्योंकि जब हम तीनों कंपनियों की बात करते हैं, तो ऑयल, गैस तीनों ही, और जो पेट्रोल डीजल गैस, तीनों ही चीज़ें। आप ये देखिए, ये मैं एक पुराना डेटा लाया हूँ, लेकिन फिर भी आपको एक आइडिया आ जाएगा। जैसे डीजल है, डीजल की जैसे फाइनेंशियल 19 में 83.5 मिलियन टन की डिमांड थी, पेट्रोल की 28.3 मिलियन टन की और एलपीजी की 24.9 मिलियन टन की। तो अभी 3 साल के बाद डाटा थोड़ा बढ़ा होगा, लेकिन एक चीज़ आप भी यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पेट्रोल और खासकर डीजल, उनकी डिमांड हमेशा से ज़्यादा है, और चूंकि उनकी डिमांड ज़्यादा है तो वहाँ पर जो है लॉसेस भी हुए ही होंगे। एलपीजी एक छोटा सा जो परसेंटेज है, उसको गवर्नमेंट ने कंपनसेट यहाँ पर किया हुआ है, तो इसीलिए Q1 में लॉसेस हुए हैं। Q2 भी जो है वॉश आउट होने की उम्मीद है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है, अब चूंकि नए डेटा आएंगे, अब गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है, तो क्या फर्क पड़ेगा, तो Q2 के जब रिजल्ट आएंगे तो हमको उसके बारे में ज़्यादा यहाँ पर पता चलने वाला है। तो फाइनली एक मच नीडेड सपोर्ट है, तो एक पॉजिटिव तो है ही। देखिए, पेट्रोल डीजल में हो सकता है गवर्नमेंट को और ज़्यादा देना पड़ता, और वो चीज़ अभी भी जितना सुनने में आ रहा है, समझने में आ रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से वो कोई सपोर्ट मिलने वाला है नहीं। तो अभी जो भी मिला है 22,000 करोड़ का सपोर्ट, ये सिर्फ गैस के लिए, जो एलपीजी गैस जो हम आप घर में यूज़ करते हैं उसी के लिए ही मिला है। अभी भी कुछ डेटा आने बाकी है कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये तो सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से एक न्यूज़ आई है। डेटा आएंगे, एनालिस्ट रिपोर्ट आएंगी, और मुझे लगता है जैसे जैसे Q2 के रिजल्ट आएंगे, जो कि एक्सपेक्टेड है अक्टूबर एंड में या फिर नवंबर की शुरुआत में, जब वो रिजल्ट आ जाएंगे, तो हमारे सामने और जो है तस्वीर जो है और क्लियर होगी। इन द एंड, एज एन इन्वेस्टर मैं यहाँ क्या करूँगा, एक चीज़ मैं जानता हूँ कि ऑयल प्राइसेस अभी भी दुनिया में हाई है, और ये एक की रिस्क
इन तीनों कंपनियों के लिए है। और यहां पर बहुत सारी इवेंट हो रही है, किसी दिन बहुत नीचे जा रहा है, किसी दिन बहुत ऊपर जा रहा है, तो अभी भी कोई क्लैरिटी यहां पर नहीं है या फिर एक ट्रेंड नहीं दिख रहा है कि अब से ऑयल प्राइसेस बिल्कुल नीचे जाएंगे और ये कंपनियां प्रॉफिट करना शुरू कर देंगी। क्योंकि देखिए प्रॉफिट करेंगी तो आप डिविडेंड का भी एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। अब 18,000 करोड़ का लॉस करके बैठे हैं, क्वार्टर टू में भी लॉस करेंगे तो डिविडेंड तो बहुत दूर की बात है, हम लोग को तो फिर प्रॉफिट की चिंता होगी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि वेट एंड वॉच काइंड ऑफ इवेंट है। जैसे जैसे चीज़ें और क्लियर या मैं कहूँ अच्छी होती जाएंगी तो एक एटलीस्ट कॉन्ट्रा बाई की भी अपॉर्चुनिटी बनेगी, बट क्या वो मोमेंट अभी है? तो मुझे नहीं लगता है कि वो अभी वो मोमेंट आया है। बट यस, आज जो इवेंट हुई है जहाँ पर गवर्नमेंट ने सपोर्ट दिया है 22,000 करोड़, ये पॉजिटिव न्यूज़ है, उस पर कोई डाउट नहीं है। और थोड़ा बहुत यहाँ पर जो है कंपनियों की जो बैलेंस शीट है, कंपनियों के जो स्टेटमेंट्स हैं, वहाँ पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ सकता है। बट कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, मैं कुछ और डेटा का वेट कर रहा हूँ, जब एनालिस्ट है उनके रिपोर्ट्स आएंगे या फिर क्वार्टर टू के जब नंबर्स आएंगे तो और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी और सब मैं आपके सामने शेयर करता रहूँगा अर्ली फाइनेंशियल आज़ादी में। सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा दोस्तों, धन्यवाद आपके समय के लिए, थैंक यू दोस्तों।